नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश आपका सिवानिया शो चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मेरी लेक्चर सीरीज़ का 30वां लेक्चर है। इससे पहले भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ 30। और आपको जैसे मालूम है कि मैं योग के बारे में, डिफरेंट कम कुंडली में होने वाले योग के बारे में बता रहा हूँ लास्ट 2-3 वीडियो से। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि योग कब फलित होता है, प्रेडिक्शन करते हुए ये देखें कुंडली के अंदर कि योग तो बन रहा है, लेकिन वो योग कब मिलेगा, कैसे निकाल लें, किसकी दशा, किसकी अंतरदशा, किसकी प्रत्यंतर दशा, कब जाके मिलेगा योग, तो वो मैंने आपको इससे पीछे वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 30 के अंदर बताया है। अगर किसी ने ना देखी हो तो प्लीज़ उसको देख लें। और आज मैं आपको कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ जो बहुत सिंपल है। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी के थोड़े से भी ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, वो सब जानते हैं उसके बारे में, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। अब ग्रहों की दृष्टि के बारे में सारे जानते हैं, तो उसमें मैं क्या नई चीज़ बता रहा हूँ? नई चीज़ तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नई चीज़ मैं इसमें कुछ नहीं बताना जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता जा रहा हूँ, ये चीज़ पहले से ही हर जगह लिखी हुई है, बताई गई है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेडिक्शन में ये चीज़ बहुत अच्छी इस्तेमाल होती है। और मैंने इसको कई कुंडली पर ला कर देखा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि यार इस ग्रह पर तो कोई दृष्टि भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये बहाव पीड़ित क्यों हैं, या ये भाव इतना अच्छा क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कोई भाव अच्छा आ रहा है, पीड़ित नहीं है, उस पर कोई दृष्टि भी नहीं है, फिर भी रिजल्ट उसके अच्छे नहीं मिल रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि कोई दृष्टि भी नहीं है उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की। तो इसलिए ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपनी प्रेडिक्शंस में अक्सर जो मेन दृष्टि होती हैं, जो 100% दृष्टि होती हैं, उन्हीं को लेते हैं। जो बाकी दृष्टि होती हैं, 1/4 होती हैं, 1/2, 1.5 होती हैं, या 3/4 होती हैं, 3/4 होती हैं, उनको नहीं लेते। उनका लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जस्ट मैं आपकी एक उसके लिए रिफ्रेशमेंट के रिफ्रेशर उसके लिए बता देता हूँ कि सूर्य की दृष्टि हमेशा 7th होती है। मतलब जो भी घर, देखिए ये स्वयं का घर है, ये पत्नी का घर है। जैसे भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव को शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति से। शक्ति उनकी पत्नी है, 7वां हाउस है। तो किसी भी भाव को शक्ति मिलती है उसके 7वें भाव से, ये आप याद रखिए। तो इसलिए कोई भी ग्रह अपने से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है ताकि उसे पूर्ण रिजल्ट मिलते हैं, उसको शक्ति मिलती है। तो इसलिए सातवीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, कोई भी हो, सब ग्रहों की दृष्टि 7वीं तो होती है। तो यहाँ मैंने सूर्य लिख दिया है, पर इसका मतलब यह है कि सूर्य से लेकर शनि तक सबकी 7वीं दृष्टि होती है। अब कुछ ग्रहों को स्पेशल दृष्टि दी गई है, वो भी आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ जरा सा। जैसे मंगल को इस दृष्टि के अलावा 4 और 8 दृष्टि भी दी गई है। 7 तो है ही है, 7 में 4 और 8 दी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चौथा भाव, अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, तो चौथा भाव जो होता है जनता का भाव होता है, प्रजा का भाव होता है। तो प्रजा की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? प्रजा की रक्षा करना कर्तव्य है सेनापति का। सेनापति कौन? मंगल। तो इसलिए मंगल को चौथा भाव की दृष्टि मिली कि भाई चौथे भाव पर दृष्टि रखिए। लोगों का ये क्या है? ये जीवन का है, ये आयु का है। तो लोगों के जीवन का रक्षा किसे करनी है, उसका भार किस पे मिला? सेनापति को। तो सेनापति को ये दिया गया 8 नंबर की दृष्टि। तो इसलिए मंगल को 4थी और 8वीं दृष्टि भी स्पेशल अलग से मिली गई। इसके पीछे लॉजिक रहा है सबके पीछे। अब आते हैं शनि के लिए। अगर आप देखें तो शनि को एक्स्ट्रा दृष्टि मिली है 7 के अलावा 3 और 10। ऐसा क्यों? देखिए शनि पराक्रम भी है और शनि आपका सेवक भी है। तो होता क्या है कि 10वां भाव जो आपका होता है, ये राज्य का भाव होता है। तो राज्य में, किसी भी राज्य में सेवक भी बहुत ज़रूरी होते हैं, सेवक भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए शनि को भी इस भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। शनि पराक्रम भाव, तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, और शनि पराक्रम है क्योंकि हार्ड वर्क कराता है, शनि कर्म करवाता है इंसान से। तो इसलिए शनि को पराक्रम के लिए नहीं, तीसरे भाव की दृष्टि भी शनि को दी गई है। अब आते हैं गुरु। अगर गुरु को देखें तो इनको मिली है 5 और 9 अलग से 7 के अलावा। 5 क्यों? 5वां भाव होता है बुद्धि का, और बुद्धि कौन देता है? गुरु। तो इसलिए गुरु को ये भाव दिया गया, बुद्धि बढ़ाने का भाव दिया गया।
नवा भाव किसका होता है? खुद गुरु का होता है, धर्म का होता है। धर्म के मार्ग पे कौन ले जाता है, अच्छे अच्छे एथिक्स पे कौन लेके जाता है? गुरु। तो इसलिए नवा भाव भी गुरु को दिया गया। तो ये तो सिंपल है, ये सब लोगों को मालूम है कि इस तरह की दृष्टियाँ होती हैं। उसके अलावा जो दृष्टि मेन लगानी होती है, मैं यहाँ आपके सामने ये मैंने लिखी हुई हैं, इनका मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों को ये दृष्टियाँ सब मालूम है। बस सिर्फ इतना बताना मैं आपसे चाहता हूँ कि इनका यूज़ प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा है। कभी भी हम लोग हमेशा इन्हीं का यूज़ कर लेते हैं, इनका यूज़ नहीं कर पाते, जबकि बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। देखिए, एक बटे चार दृष्टि क्या होती है, हर ग्रह अपने से तीसरे भाव को और दसवें भाव को 1/4 दृष्टि से देखता है। हालांकि शनि के लिए तो 3rd और 10th दोनों ही आपकी फुल दृष्टि होती हैं, पर इसके अलावा कोई ग्रह हो जैसे मंगल भी है तो मंगल भी तीसरे और दसवें भाव को 1/4 दृष्टि से देखेगा, हाफ दृष्टि। कोई भी ग्रह अपने से पांचवें या नवें भाव को 5th and 9th भाव को हाफ दृष्टि से देखेगा, 50% दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी उसकी। तो अब क्या हुआ कि देखिए, मंगल हो गया या बुध हो गया, कहने को बुध 7वीं दृष्टि है, लेकिन बुध की 5वीं 9वीं दृष्टि भी पड़ती है 50% ग्रह के ऊपर। 3/4 दृष्टि यानी आपकी 3/4 दृष्टि जो है 3/4 चौथी और आठवीं होती है हर ग्रह में। मंगल में 4 और 8 तो आपकी ऑलरेडी पूरी कंप्लीट 100% होती है, पर हर ग्रह अपने से चौथे और आठवें भाव को देखता है 3/4 दृष्टि से। तो इसका मतलब दृष्टि तो है इसके अंदर। अब दृष्टि क्या चीज़ होती है, दृष्टि में जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसमें थोड़ा सा टॉपिक से अलग, कि हर ग्रह के अपने कुछ गुण होते हैं। एक गुण ऐसा होता है जो उसको बोलते हैं नैसर्गिक गुण, नेचुरल। दूसरा गुण ऐसा होता है तात्कालिक, जो उसको टेम्परेरली असाइन किया गया है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी मनुष्य है, अब वो दो रोल प्ले करता है। एक रोल तो वो प्ले करता है घर के अंदर, दूसरा रोल वो प्ले करता है अपने ऑफिस के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं पीछे भी एक प्रोग्राम देख रहा था, उस प्रोग्राम में था कि किसी एक बड़े एक्टर का जो कि कॉमेडी में बहुत अच्छे हैं, उनका इंटरव्यू घर पे चल रहा था। तो उनके बच्चों से वो इंटरव्यूअर्स पूछ रहे थे, पत्रकार वगैरह पूछ रहे थे कि सर देखिए इनके जो सीरियल्स आते हैं टीवी में वो इतना ज़्यादा हंसाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या घर में भी तुम्हारे पापा ऐसे ही हैं? तो बोले नहीं, घर में तो पापा बड़े थके हुए होते हैं, बड़े गुस्से में होते हैं और ऐसा नहीं, हंसी खुशी की मुद्रा में नहीं होते। तो क्या हुआ ऐसे अचानक, क्या हुआ? क्योंकि सीरियल में उन्होंने एक्ट करना है, तो एक्ट करना है तो वहाँ पे उनको तात्कालिक टेम्परेरली कोई जॉब असाइन हुआ, और घर पे आके उनको नेचुरली अपनी स्टाइल में रहना है, तो वो नेचुरल होता है। तो ऐसी ग्रह का होता है। अब जैसे मंगल ग्रह है, किसी मंगल ग्रह का नैसर्गिक गुण यह है कि जहाँ होगा थोड़ा काट छाट करेगा, थोड़ा चोट लगवाएगा, घाव देगा, आदमी के अंदर पराक्रम भर देगा, एनर्जी भर देगा, लेकिन उसको बहुत अधीर बना देगा, इम्पेशेंट बना देगा। ऐसा आदमी इंतजार नहीं कर पाता कि अभी चाहिए, सब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। शनि है, शनि की दृष्टि, शनि की नैसर्गिक गुण क्या है? स्लो करने वाला, रुकावट डालने वाला, कि जो भी चीज़ होगी उसको स्लो कर देगा। अगर आपको रिजल्ट 10 दिन में मिलने वाले हैं तो आपको रिजल्ट 25 दिन में मिलेंगे, देगा रिजल्ट आपको लेकिन थोड़ा हार्ड वर्क करा के। तो अब यही ग्रह है, अब इन्हीं को हम जैसे बोलते हैं पाप ग्रह बोलते हैं, शनि हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, राहु केतु हो गया, इन सबको हम पाप ग्रह बोलते हैं। और इसी प्रकार गुरु हो गया, शुक्र हो गया, चंद्र अगर पक्ष बली है और बुध अगर अकेला बैठा है तो उसको हम शुभ ग्रह बोलते हैं। तो ग्रहों को तो रोल मिल गया, ग्रहों को रोल ऐसा मिला कि सपोज कीजिए कि किसी भाव में जैसे बुध को आपका लग्न का स्वामी बना और चौथे भाव का स्वामी बना, 3 और 6 लग्नेश है, इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, तो बुध अपना योग कारक जो चीज़ें हैं वो तो देगा, क्योंकि बुध ने यहाँ पर एक बेनिफिक ग्रह का रोल प्ले करना है इस कुंडली के लिए। लेकिन बुध की नैसर्गिक गुण क्या है? त्वचा, यानी त्वचा का रोग भी देगा इंसान को, त्वचा में रोग भी देगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि कोई भी ग्रह अगर आप कुंडली में देखते हैं, सपोज कहते हैं कि मंगल है, मंगल आपका त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है, तो आप कहते हैं कि मंगल अभी कुंडली में बहुत अच्छा हो गया, नो डाउट बहुत अच्छा हो गया। जिस भावों का स्वामी होगा या जिस घर में बैठेगा वहाँ के रिजल्ट वो अच्छे देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ वो दृष्टि डालेगा, मंगल दृष्टि डालने पे घर के रिजल्ट्स की वृद्धि तो करेगा, क्योंकि वो योग कारक ग्रह है, उस कुंडली में वो योग कारक ग्रह का रोल प्ले कर रहा है।
लेकिन उसका नैसर्गिक गुण है काट छाट करना, तो मतलब वो दृष्टि डालेगा तो उसके अंदर बड़ी ही काट छाट भी कर देगा, उसके अंदर आदमी के अंदर इतनी ज़्यादा अधीरता भर देगा कि वो रिजल्ट का इंतजार नहीं कर पाएगा, अपने काम बिगाड़ लेगा जल्दबाजी के चक्कर में। तो रिजल्ट उसे जहाँ मिलने थे, लेकिन सिर्फ यह है कि उसमें धैर्य कमी होने की वजह से उसने अपने रिजल्ट बिगाड़ लिए। तो ये चीज़ ध्यान देनी होती है कुंडली में कि अगर मंगल आपकी कुंडली में देख रहा है, मंगल योग कारक ग्रह है कुंडली में, त्रिकोणकार केंद्र का स्वामी है, और वो किसी भाव को देख रहा है, तो उस भाव का रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि मंगल की दृष्टि है तो मंगल जरूर आपको पराक्रम दे रहा होगा, एनर्जी दे रहा होगा, लेकिन धैर्य नहीं दे रहा होगा, आपको इम्पेशेंट बना रहा होगा। तो इम्पेशेंट ना बनिए तो आप फल ले जाएंगे, और जहाँ आपने इम्पेशेंट होकर सोचना शुरू कर दिया वहीं आप काम बिगाड़ लेंगे। तो ये इसी प्रकार होता है। आप जैसे शनि है, शनि आपकी कुंडली में केंद्र का त्रिकोण का मालिक है, योग कारक ग्रह है, बेनिफिक है, मान लिया, लेकिन शनि नैसर्गिक रूप से तो पापी ग्रह है, नेचुरल तो पापी ग्रह है। तो शनि की दृष्टि जहाँ पड़ेगी, शनि की दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ये क्रिएट करेंगे, चूँकि पाप, अब पाप ग्रह हैं तो कुछ ना कुछ तो डालेंगे नेगेटिव चीज़, नेगेटिव ग्रह हैं, पर कुंडली में उनको रोल मिला है अच्छे घर चीज़ों को प्ले करने का, तो वृद्धि तो करेंगे, रिजल्ट तो आपको देंगे, लेकिन तरसा तरसा के देंगे, मतलब आपको रिजल्ट लेने का मज़ा नहीं आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा उस भाव का जहाँ दृष्टि डलेगी इनकी, अगर वो योग कारक ग्रह हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स और इतना ज़्यादा पराक्रम वो आपसे करवा लेंगे कि आप कहेंगे यार कुछ अब मज़ा नहीं आया, इतनी देर के बाद रिजल्ट मिला तो मिला, रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये पक्का है। तो इसलिए इन ग्रहों में ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इस तरह की दृष्टियाँ अगर है तो हम लोग समझ जाएँ कि यार रिजल्ट तो हमको मिलना है, लेकिन धैर्य रखना होगा हम लोगों को, मतलब परेशान नहीं होना बिल्कुल किसी हालत में। तो इस तरीके से होता है। तो यही चीज़ इन दृष्टियों में आती है, इन दृष्टियों में भी यही चीज़ आती है, 1/4 में, 1/2 में, 3/4 में। अब जैसे मैं सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सिंपल वे में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये आपका छठा घर है। अब इसमें अगर हम देखें ये इसके अंदर कुंडली के अंदर, मैं इसको थोड़ा कुंडली चेंज करता हूँ, आपको बताता हूँ एग्जाम्पल दे के, तो उससे आपको आसानी रहेगी समझने में कि सपोज़ कीजिए किसी ये नेटिव की कुंडली है, यही एक नेटिव कुंडली है जो मैंने देखी थी, मेरे पास देखने के लिए आई थी, उसी कुंडली को मैं आपको बना देता हूँ। इस कुंडली में ये कन्या लग्न की कुंडली है, और इस कुंडली में आपके इधर बैठे हैं बुध और मंगल, इधर बैठे हैं चंद्र, इधर बैठे हैं सूर्य, इधर बैठे हैं शुक्र, इधर बैठे हैं शनि, और इधर यहाँ बैठे हैं राहु, इधर बैठे हैं केतु, इस तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, और यहाँ बैठे हैं बृहस्पति। तो इस कुंडली में अगर आप देखें छठा भाव क्या है, रोग ऋण का भाव है, डेप्ट का भाव है, बीमारियों का भाव है, कलह का भाव है, जो प्रॉब्लम होती है इंसान की लाइफ में उनका ये भाव है छठा भाव, लेकिन कंपटीशन का भाव भी है, कंपटीशन सक्सेस भी देता है, नौकरी का भाव भी है, नौकरी भी इसी भाव से मालूम चलती है। तो अब शनि इनका मालिक है, तो शनि के पास एक त्रिकोण का हाउस है, एक थोड़ा गलत हाउस है, तो शनि मतलब पापी त्रिकोणेश हुआ, त्रिकोणेश मतलब अच्छा ग्रह तो हुआ लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ भी देगा इस ग्रह के, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि शनि की यहाँ पर पड़ी हुई है। तो पर फिर भी शनि को देखो आप, शनि की 1, 2, 3, जैसे आपने प्रिंसिपल पढ़ा है कि जो भी ग्रह अपने घर को देखते हैं उस ग्रह के अंदर वृद्धि करते हैं, तो शनि की दृष्टि अपनी इसी हाउस पर है, तो इसलिए इसका मतलब इस हाउस की वृद्धि होगी, यानी जो जातक है, जो नेटिव है, उसके शत्रु नहीं होंगे, वो उसके पास कोई ऋण नहीं होगा, उसे कोई प्रॉब्लम इस तरह की बीमारी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सब उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, शनि की दृष्टि मिल गई इसके ऊपर। लेकिन एक साथ साथ में देखें कि शुक्र क्या है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया नैसर्गिक ग्रह, ये हमारा शुभ नैसर्गिक ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो इसकी दृष्टि जो पड़ेगी वो शुभ भी पड़ेगी। अब इसकी दृष्टि देखें, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि यहाँ आती है। तो मैंने कहा कि हर ग्रह की 3/4 दृष्टि फोर्थ भाव पे होती है, तो शुक्र की दृष्टि भी यहां पड़ी, तो आपने अपनी प्रेडिक्शन को और कंफर्म कर दिया कि हाँ पक्की बात है
एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, जो घर का स्वामी है उसकी भी दृष्टि है, तो इस भाव के रिजल्ट टॉप प्लस होंगे। शत्रु हंता होगा ऐसा जातक, उसके कोई ऋण नहीं होगा, कोई डेप्ट नहीं होगा, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हेल्थ की इशू की उसको कुछ नहीं होगी, कोई जिंदगी में कलह नहीं होगी, किसी कंपटीशन में बैठेगा तो सक्सेस करेगा, तो ये सब चीज़ें आप आइडिया लगा सकते हैं। तो जब भी देखें इसी प्रकार से, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भाव पीड़ित आ रहा हो और पीड़ित आने पर देख रहे हो कि आप कि किसी ग्रह की दृष्टि तो है नहीं, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि, जैसे यहाँ पर कोई ग्रह घर होता जैसे शनि की, 1 2 3 4 आल्दो इस कुंडली में शनि योग का रख है लेकिन नैसर्गिक तो पापी ग्रह है ना, तो शनि की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 3-4 दृष्टि, तो इस जातक के दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव करेंगे शनि, अपनी दृष्टि डालेंगे जब भी शनि की महादशा आएगी, तो इस जातक के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। तो इसलिए देखिए ये दृष्टि कितनी इंपॉर्टेंट है। हम सोच रहे थे शनि की तीसरी दृष्टि ले ली हमने यहाँ पे, हम यहाँ सोच रहे हैं कि दृष्टि किसी की नहीं है, सिर्फ बुध और मंगल की है, तो एक पापी ग्रह मंगल दृष्टि हो गई, एक पापी ग्रह शनि की दृष्टि भी यहाँ पे हो गई, तो दो दो से पापी ग्रह की दृष्टि हो गई, तो जाहिर सी बात है जब भी शनि की या मंगल की महादशा आएगी तो कुछ ना कुछ जातक को ये दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये दृष्टियाँ लेना भी बहुत ज़रूरी है। कभी भी मत सोचिए कि कोई भाव बिल्कुल साफ है उसमें कोई दृष्टि नहीं है, हो सकता है कि कोई पापी ग्रह इस दृष्टि से, इस दृष्टि से या इस दृष्टि से उन ग्रहों घर को देख रहा हो, तो वो भी सब नोट करिए, सबका कंबाइंड इफेक्ट लेकर चलिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि इसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको दृष्टि के बारे में चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं नई नई वीडियोज़ को आपके सामने शेयर करता रहूँ। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।